हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज के एपिसोड 33 के बारे में, जहां पे सिंथिया और एस के सेमीफाइनल्स में मुकाबला कर रहे हैं। तो ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबले का तीसरा पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरा पार्ट बोलो, आखिरी पार्ट बोलो, एक ही बात है। शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि सिंथिया और एस के सारे पोकेमोन हार चुके हैं। सिंथिया के पास बचे हैं दो पोकेमोन, टोकिस और गार्चोम्प, और एस के पास बचा है सिर्फ एक पोकेमोन लुकारियो। लेकिन सिंथिया जो है डायनामिक्स टोकिस यूज करती है। एस चौंक जाता है कि अब मैं इससे कैसे फाइट करूंगा, और उधर गो और होप का भी यही रिएक्शन होता है कि अपना एस कैसे मुकाबला कर पाएगा। लेकिन एस कैसे बोलता है, अरे मेरे पास भी तो मेगा एवोल्यूशन है। तो वो मेगा लुकारियो का यूज करता है, मेगा लुकारियो आ जाता है फुल फॉर्म में। अब वो बताएगा कि टोकिस को कि वो क्या चीज है। तो वो ओरा स्पीड का यूज करता है टोकिस की मैक्स एयर स्ट्रीम के अंदर, मतलब यार टोकिस के अटैक के अंदर जाकर वो टोकिस के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन वो गलती से बाहर निकल जाता है बिकॉज टोकिस थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है। सिंथिया स्माइल और बोलती है वापस मैक्स एयर स्ट्रीम का यूज करो। लेकिन लुकारियो जो होता है टोकिस की बॉडी के ऊपर जाकर वैक्यूम पंच या फिर क्लोज कॉम्बैट का यूज करता है, और लिटरली यार सिंथिया की यार हवा टाइट हो जाती है। सिंथिया बोलती है ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी टोकिस जो है अपने एसपी को बढ़ाती जाती है बिकॉज पता नहीं वो क्या कर रही है। एस कसम बोलता है वापस से ओरा स्पीयर का यूज करो, और एस कसम इस बार ओरा स्पीयर का यूज कर रहा होता है। लेकिन इस बार वो ग्रिंजा की ट्रेनिंग को याद करते हुए ओरा स्पीयर का यूज करता है, और वो इतना बड़ा ओरा स्पीयर कर देता है कि सिंथिया भी एक पल के लिए चौंक जाती है कि हो क्या रहा है। और उधर ग्रीनिंजा को इस अटैक की ग्रेविटी महसूस हो जाती है। तुम सोच सकते हो ना, एस का, ग्रीनिंजा का, लुकारियो का बॉन्ड कितना पावरफुल है एक दूसरे से कि इधर मुकाबला एस किचम कर रहा है, लेकिन उसके बॉन्ड को ग्रीनिंजा के लोस रीजन के किसी जंगल के अंदर फील कर रहा है। दैट्स सो अमेजिंग। और भाई लिटरली वो ओरा स्पीयर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो टोकिस के एयर स्ट्रीम स्काई अटैक जो है ना उसके आर पार हो जाता है, और टोकिस जो है नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। हमको लग रहा था टोकिस यहाँ पे हार गई, लेकिन ऐसा नहीं है। टोकिस के अंदर अभी भी जान है, और वो खड़ी हो जाती है और अपने स्पीड वाले अटैक से अपने मेगा लुकारियो को परेशान कर रही होती है। तो लुकारियो बोलता है अरे बस कर हारना नहीं है, पोकेबॉल के अंदर जा आराम कर। लेकिन टोकिस आराम करने वालों में से नहीं है, तो अपना लुकारियो जो है डबल टीम का यूज करता है और फिर बुलेट पंच का यूज करता है टोकिस के ऊपर, और उसको वहीं ढेर कर देता है। और टोकिस अब आराम कर सकती है पोकेबॉल के अंदर। फाइनली बेन आराम कर, जा पोकेबॉल के अंदर। और फिर जो है हमको दिखाया जाता है कि सिंथिया के पास सिर्फ एक पोकेमोन गार्चोम बचा है, और एस के पास सिर्फ और सिर्फ लुकारियो बचा है। और फिर ये दोनों पोकेमोन आमने सामने आते हैं, और जैसे ही गार्चोम बाहर आता है सिंथिया उसको ब्लैकमेल करती है, बोलती है मैंने तेरे को बचपन से प्यार किया है, तेरे को बचपन से पाला पोसा, जब तू गिब्बल था मैंने तुझे कितना प्यार किया, अब यही वक्त है उस प्यार को लौटाने का, हमला करो लुकारियो को हरा दे। और उधर लियोन जो है डायंथा को बताता है कि यार देख यार गार्चोम भी काफी वीक हो चुका है, उसको सरफेस ने वीक कर दिया था और लुकारियो को टोकिस ने भी कर दिया है, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा काफी एक्साइटिंग है। अरे लियोन अस ब्रो अस, मुकाबला देख पंचायत मत कर। और फिर इधर गार्चोम्प और लुकारियो आमने सामने आते हैं। गार्चोम्प जो है स्केल शॉट का यूज करता है, लुकारियो उसको बचने के लिए बुलेट पंच का यूज करता है। लेकिन यहाँ पर सिंथिया दोबारा से स्केल शॉट का यूज करती है, तो इस बार लुकारियो जो है ओरा स्पीयर का यूज करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से लग रहे हैं, कौन सा अटैक किस पे भारी पड़ेगा। लेकिन अचानक से धुआं धुआं हो जाता है, और दोनों पोकेमोन अपने प्यारे प्यारे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं दोनों पोकेमोन, लेकिन फिर भी एस बोलता है अब हार नहीं मानेंगे, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उधर सिंथिया भी यही बोलती है, सिंथिया सिंगम वाला पोज करती है, बोलती है ड्रैगन क्लो का यूज करो। तो एस बोलता है भाई बुलेट पंच का यूज करो। तो दोनों पोकेमोन फिजिकली क्लोज कॉम्बेट जैसे मुकाबला कर रहे हैं, मतलब आस पास 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 आकर मुकाबला कर रहे हैं। मतलब भाई मुकाबला इतना इंटेंस हो चुका है कि भाई यार ये एंकर तक यार खड़ा हो चुका है, बोल रहा है भाई माहौल काफी गर्म हो चुका है, अब क्या होगा भाई क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, लिटरली बवाल चीज। एंड फिर इधर जो है गार्चोम्प लुकारियो लगे हुए हैं, कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इधर लुकारियो पोकेमोन और गार्चोम्प पोकेमोन वापस दूर जाकर गिरते हैं, यानी कि दोनों पोकेमोन थक चुके हैं, कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा। दोनों बोल रहे हैं कि मैं ही जीतेगा। लेकिन इधर सिंथिया बोलती है कि फाइनल ड्रैगन क्लो का यूज करो, और इधर एस बोलता है कि रिवर्सल का यूज करो, और एस किस्म रिवर्सल का यूज करता है, और रिवर्सल अटैक गार्चोम्प के आर पार जाकर लग जाता है, और इधर दोनों पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं। और हमको लग रहा था कि मुकाबला ड्रॉ हो चुका है, अब इनके बीच में दोबारा एक और रिमेच होगा जहां पे इस किस्म पुराने पोकेमोन जैसे कि इन्फोनेप चाइजार ग्रिंजा का यूज करेगा। लेकिन तभी अपना लुकारियो पोकेमोन अपनी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए खड़ा हो जाता है, और हमको दिखाया जाता है रेफरी आता है, बोलता है कि लुकारियो खड़ा हो चुका है, गार्चोम खड़ा नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली इस किस्म जीत चुका है, और सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले का विनर है इस किस्म। और इस किस्म बोलता है आए
मैं जीत गया सच में। नहीं नहीं मजाक है, मैं सपने में हूँ, सपने से उठ जाता हूँ, लेकिन फिर एक को पता चलता है कि ये सपना नहीं है। ऑडियंस इसको चीयर कर रही है, इधर पिकाचू भी इसको चीयर कर रहा है, टीम रॉकेट तक यार इसके लिए रोने लगी है, और गो और होप भी इसके लिए रोने लगे हैं, और इधर टीम रॉकेट के बाद यार प्रोफेसर ओक भी रोने लगा है, और इसके सारे के सारे पोकेमोन भी खुश है कि यार एस जीत चुका है, डेट्स सो अमेजिंग। लेकिन तुम्हें पता है एस किस्म कैसे जीता? बिकॉज उसने रिवर्सल अटैक का यूज़ किया। रिवर्सल अटैक एक ऐसा अटैक है जहाँ पर जितनी तुम्हारी एचपी कम होगी ना उतना तुम्हारा अटैक पावरफुल होगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी एचपी 90% है तो तुम्हारी रिवर्सल अटैक इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी एचपी अगर 1 HP है, 5 HP है, 10 HP है तो तुम्हारा अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और इधर लुकारू की एचपी काफ़ी कम थी, रिवर्सल अटैक लगा गार्चोम को, और गार्चोम पहली बार ऑन स्क्रीन हमको हारता हुआ दिखाया गया। और इधर सिंथिया जो है गार्चोम के पास आती है और बोलती है तुमने अच्छा मुकाबला किया, फंटेस्टिक, वेल डन माई पोकेमोन। और इधर लुकारू आता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाता है और गार्चोम को बोलता है खड़ा हो जा यार, अच्छा मुकाबला किया बडी, तुम अमेजिंग हो। और गार्चोम हैंडशेक करता है लुकारू से, और इधर सिंथिया बोलती है मैं भी मेरी बेइज्जती को मिटा देती हूँ एस के साथ हैंडशेक करके, और वो हैंडशेक करती है एस किचम के साथ में। अबे साले नल्ले एस किचम, देखो शर्म है कि नहीं, संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं, मेरी सिंथिया के साथ में हाथ मिलाता है, तुम मिल मेरे को बार, बता रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ मैं। फिर एस किचम को सिंथिया बोलती है तुमने अच्छा मुकाबला किया, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल्स। और एस किचम भी चौंक जाता है कि यार अभी भी इसको यकीन नहीं हो रहा कि ये जीत चुका है। हाँ भाई हाँ मेरे शेर, तू जीत चुका है। और प्रॉपर यहाँ पे हैंडशेक होता है, और फिर हमको दिखाया जाता है कि हमको हमारे 2 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, एक तरफ है लियोन, एक तरफ है एस केचम। और फिर हमको दिखाया जाता है इनका मुकाबला काफ़ी जल्दी होगा। और इधर सिंथिया जो है बैक स्टेज जाती है और डायंथा को बोलती है कि मैंने मेरा फैसले को बदल दिया है, पहले मुझे लग रहा था कि यार मैं रेड ले लूँ, लेकिन अब मैं रिटायरमेंट लेने नहीं वाली, मैं मुकाबला करेगी एस के साथ। मुकाबला करने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी बहुत कुछ है सीखने को। तो डायंथा बोलती होगी मनी मन में, अबे तू पागल है क्या, पहले मुझे मन मन में खुश कर दिया, अब बोल रही है कि तू वापस आ रही है, कंपटीशन बढ़ा रही है, शर्म नहीं आ रही है, तुझे बता रही हूँ मैं। और फिर बाहर जो है एक हम सारे पोकेमोन को थैंक्स बोलता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। इस मनी मन बोलता है अब वक्त आ चुका है लियोन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने का। और इसी एपिसोड के एंड में हमको आसमान का शॉट दिखाया जाता है जो कि रेफरेंस है पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट का। आसमान स्कारलेट कलर का था और वायलेट सी थोड़ी टोन थी, जो कि शो कर रहा है कि आने वाले समय में स्कारलेट एंड वायलेट आने वाला है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यार, इस वाले एपिसोड की खास बात, इसमें यार पोकेमोन मूवी के म्यूजिक को रीयूज किया गया, और वो मूवी है पोकेमोन स्वॉर्ड एंड जस्टिस वाली मूवी, इनोवा रीजन वाली मूवी। लेकिन उसका यहाँ पे यूज क्यों किया आई डोंट नो, उसका कोई रेफरेंस भी नहीं है, ये दोनों ट्रेनर्स का इनोवा से कोई इतना कनेक्शन भी नहीं है, तो यूज क्यों किया आई डोंट नो। लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी कि शायद तक से म्यूजिक अच्छा सिंक कर रहा था, डैश वाई यूज कर लिया, और मॉर्पी का पोकेमोन एक बेरी खा रहा था जो कि सिंथिया के होम रीजन यानी कि सिनो रीजन की है, जो कि एक अच्छी बात है, तुम्हें जानना चाहिए। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा बताओ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।